हेलो गाइस, दिस इज कुशाग्र। वेलकम टू कुशाग्र सेंटर फॉर एक्सीलेंस। सो गाइस, आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 सिविक्स एनसीईआरटी का चैप्टर 3 कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। सो आज के इस वीडियो में क्या डिस्कस करने वाले हैं, आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन के बारे में। सो इससे सेकेंड चैप्टर में हमने क्या डिस्कस करा था, हमने डिस्कस करा था व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी, हमने ये डिस्कस करा था। सो डेमोक्रेसी क्या होती है हमने ये भी पढ़ा था, और डेमोक्रेसी क्यों होती है हमने ये भी डिस्कस करा था। अब आज के इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन के बारे में, राइट। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या, पहले तो जान लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। अब एक राइट हम राइट करेंगे क्या, सुप्रीम लॉ ऑफ उस कंट्री की, यानी कि उस कंट्री की जो सुप्रीम लॉ है, और वो किसके लिए है, प्यूपिल और गवर्नमेंट के लिए। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है ना, ये प्यूपिल ऑफ गवर्नमेंट को पावर देता है, इसी को हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, है ना। अब कॉन्स्टिट्यूशन पावर दे रहा है तो ऐसा थोड़ी है कि प्यूपिल जो चाहेंगे वो करेंगे, गवर्नमेंट जो चाहेगी वो करेगी, ऐसा नहीं है। पर क्या पावर तो दे रहा है उसको, पर हिसाब से दे रहा है, यानी कि पावर दे रहा है पर उसको अपना मतलब कि अपनी नहीं बनानी है उस पावर को, है ना। सो इसको हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, राइट। अब वो पावर किसके लिए दे रहा है, उसकी अपनी उस कंट्री की पॉलिटिक्स के लिए, सोसाइटी के लिए, ताकि पॉलिटिक्स अच्छी बन सके और सोसाइटी अच्छी बन सके, इसलिए दे रहा है ना। अब कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन क्यों कहा गया, क्योंकि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसे जो डिजाइन करा जाता है, सो यानी कि इसे बनाया जो जाता है उसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। से इस चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, है ना। अब दो कंट्री के बारे में पढ़ेंगे हम, है ना, कि वहाँ पे कैसे कॉन्स्टिट्यूशन आया, और हम पढ़ेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन की हमें जरूरत क्यों होती है ना। अब तो ये हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, राइट। अब चलिए, फर्स्ट टॉपिक आता है हमारा डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका। सो फर्स्ट कंट्री तो ये आ गई साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में कैसे डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है, राइट। अब देखिए क्या होता है कि साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका जो है ये, यहाँ पे 3 तरीके के लोग रहते हैं, साउथ अफ्रीका जो है ये यहाँ पे 3 तरीके के लोग रहते हैं, ब्लैक, व्हाइट और ब्लैक व्हाइट और कलर्ड। अब इन्हें कलर क्यों कहा जाता है, यानी कि कुछ तो हो गए ब्लैक, यानी कि जैसे मान लिया कि यह है कंट्री, उसमें से इतने जो लोग हैं, ओ सॉरी इतने नहीं, इतने जो लोग हैं वो क्या है, ब्लैक। अब इसमें से जो इतने लोग जो आते हैं वो व्हाइट, अब बचे कुछ है, ये क्या है व्हाइट, और ये क्या है ब्लैक, ब्लैक। अब जो बच्चे कुछ जो लोग आते हैं ये, इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है कलर्ड, क्या कलर्ड। अब जो ये बच्चे कुछ लोग रहते हैं इन्हें कलर कहा जाता है, कलर्ड। अब ये तो ब्लैक कलर होता है इनका, और यहाँ इनका व्हाइट, और ये कलर्ड क्यों कहा गया है, क्योंकि इनका ना ही ब्लैक होता है ना ही व्हाइट होता है, यानी कि जैसा हमारा कलर होता है स्किन कलर, वैसा इनका कलर होता है, राइट। अब जो ये व्हाइट थे वो ब्लैक्स पर रूल चलाते थे उनके कलर की वजह से, है ना, कहाँ पे, साउथ अफ्रीका में। अब जो ये ब्लैक थे उनके हॉस्पिटल्स, टॉयलेट्स, सिनेमा हॉल और सीढ़ीज, चेयर्स, ये सब क्या है, ये सब अलग कर दिए गए, हॉस्पिटल मतलब कि अलग कर दी थी, वर्सेस लड़ाई हो गई, है ना, अब अलग कर दिए गए। सो इन्हें जब सबको अलग कर दिया गया, सब चीज इनकी अलग कर दी गई, है ना, तो क्या हुआ कि अब ये जो थे ब्लैक वो व्हाइट से परेशान हो गए। अब जब इसी को क्या कहते हैं, अपार्टाइड। अब इनसे ही क्या बन गया, जब व्हाइट के पास सबसे अच्छी चीज आ रही थी, सो ये क्या बना, एक अपार्टाइड। क्या बना, एक अपार्टाइड, अपार्टाइड बन गया एक। अब एक अपार्टाइड बना, अब कोई भी हो, चाहे वो व्हाइट क्यों ना हो, ब्लैक क्यों ना हो, चाहे कलर क्यों ना हो, कोई भी इस अपार्टाइड के खिलाफ आवाज उठा था तो व्हाइट उसे जेल में डाल देते थे या मार देते थे, ठीक है। अब ये अपार्टाइड था किसका,
वाइट्स का, राइट। अब इस अपार्टेड के खिलाफ प्रोटेस्ट करते गए, प्रोटेस्ट हो गया, ये पीपल्स हैं, ये प्रोटेस्ट करते गए। ठीक है, ये इतने सारे प्यूपिल हैं, ये प्रोटेस्ट करते गए। ठीक है, अब जब ये प्रोटेस्ट करते जा रहे हैं, ये प्यूपिल हैं ये, ठीक है, अब जब ये प्रोटेस्ट करते गए, राइट, सो क्या हुआ कि वाइट को सिर झुकाना पड़ा, है ना, सिर झुकाना पड़ा। पर जो ये प्रोटेस्ट कर रहे थे इसमें से एक नेल्सन मंडेला थे। कौन? नेल्सन मंडेला, जिन्हें क्या जेल में डाल दिया गया था, जिन्हें जेल में डाल दिया गया था। ठीक है, अब ये है नेल्सन मंडेला, इन्हें क्या जेल में डाल दिया गया था। ठीक है, अब जब इन्हें जेल में डाल दिया गया, किसको? नेल्सन मंडेला को। इन्हें तो जेल में डाल दिया नेल्सन मंडेला को। फिर क्या हुआ कि जब लोग प्रोटेस्ट करते गए, मैंने आपको बताया वाइट को सिर झुकाना पड़ गया, है ना, यानी कि क्या व्हाइट ने क्या कर दिया, अब इन पर रूल चलाना बंद कर दिया, किन पर? ब्लैक्स पर। ठीक है, सो क्या हुआ कि नेल्सन मंडेला जो थे इन्हें भी जेल से बाहर निकाल दिया, यानी कि ये जो नेल्सन मंडेला है इन्हें जेल से बाहर निकाल दिया, ये हमारे नेल्सन मंडेला आ गए। ठीक है, नेल्सन मंडेला, और ये क्या बन गए फिर वहां के, ये क्या बन गए फिर, फर्स्ट क्या बन गए, ये फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, ये क्या बन गए, ये फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बन गए, राइट। अब कौन? नेल्सन मंडेला। ठीक है, अब क्या हुआ कि इसके बाद फिर नेल्सन मंडेला वहां के प्रेसिडेंट बन गए। तो क्या हुआ कि ये जो ब्लैक थे उन्होंने व्हाइट से कहा कि वो सॉरी ब्लैक थे उन्होंने सोचा कि हम व्हाइट्स को सजा दे जैसे उन्होंने हमारे साथ किया, हम भी व्हाइट के साथ वैसे ही करें, या हम व्हाइट के साथ वैसे ही करें, या हम उन्हें माफ कर दें और एक नया कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट करें। सो उन्होंने ऐसे ही किया, यानी कि उन्होंने एक नया कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट करा। वो उन्होंने कह दिया हम सब पुरानी बातों को भूलते हैं। अब जब कॉन्स्टिट्यूशन आया साउथ अफ्रीका में तो सब एक हो गए, व्हाइट ब्लैक और कलर्ड, ये सब क्या हो गए, एक हो गए, यानी कि किसी में लड़ाई झगड़ा ही नहीं होती थी। अब इसे भी हटा देते हैं, ठीक है, और इसे भी हटा देते हैं हम, ठीक है, अब ये इनमें लड़ाई झगड़ाई कुछ नहीं होती थी। सो अब इससे हमें क्या पता चला, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन आ जाता है तो इन्हें पावर्स मिल जाती है ना, पावर से मिल जाती है। तो अब पावर आ गई तो ऐसा थोड़ी है कि वो अपने मन की चलाएंगे, पर क्या होता है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन आता है तो ये तीनों जितने भी वहां के लोग हैं रहने वाले सब आपस में मिलजुल जाते हैं, ठीक है, लड़ाई नहीं होती है जब कॉन्स्टिट्यूशन आता है। तो ये क्लियर हुआ क्या होता है। इसके बाद आता है हमारा व्हाई डू वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन, एक कॉन्स्टिट्यूशन की हमें क्यों जरूरत होती है। आइए देखते हैं क्यों जरूरत होती है हमें कॉन्स्टिट्यूशन की। सो 4 पॉइंट है, उन्हें हम डिस्कस करते हैं, आइए चलिए। क्या फर्स्ट पॉइंट है? फर्स्ट है इट जनरेट ए डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन दैट इज नेसेसरी फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल टू लिव टुगेदर, यानी कि ये क्या होता है कि ये जनरेट करता है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, जनरेट करता है एक डिग्री, किसकी डिग्री, ट्रस्ट और कोऑर्डिनेशन की, ट्रस्ट और कोऑर्डिनेशन की ये डिग्री क्या करता है, जनरेट करता है। क्यों? जो जो डिफरेंट काइंड के प्यूपिल हैं वो आपस में रहते हैं, इसलिए डिफरेंट काइंड ये क्या करता है, ये ट्रस्ट और कोऑर्डिनेशन की डिग्री क्या करता है, जनरेट करता है। अब सेकंड आता है इट स्पेसिफिक हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड, हाउ विल हैव पावर टू टेक विच डिसीजन, यानी कि गवर्नमेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूटेड होती है ना। क्यों कॉन्स्टिट्यूटेड होती है? क्योंकि उसके पास क्या होती है, पावर होती है। किस चीज की पावर होती है? डिसीजन लेने की। जो भी डिसीजन लेती है वो गवर्नमेंट ही लेती है। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, यही मैंने आपको बताया, वो पावर देता है। पावर
क्या देता है, हिसाब से देता है कि गवर्नमेंट को कैसी पावर देनी है, पीपल को कैसी पावर देनी है ना। सो ये पावर सोच समझ के पावर आती है गवर्नमेंट और पीपल के पास, ठीक है। अब थर्ड है, इट ले डाउन लिमिट ऑन द पावर ऑफ द गवर्नमेंट एंड टेल अस व्हाट द राइट ऑफ सिटीजन आर। यानी कि ये जो पावर होती है गवर्नमेंट की, ये जो पावर होती है ना गवर्नमेंट की, वो डाउन लिमिट्स में होती है ना, वो डाउन लिमिट्स में होती है जो गवर्नमेंट की पावर होती है, राइट। अब फिर क्या कहा है, टेल अस व्हाट राइट ऑफ सिटीजन, और ये हमें यही बता दिया है कि ये भी सिखाती है कि राइट ऑफ सिटीजन क्या है ना, क्या है। अब जो लास्ट पॉइंट बचा है, फोर्थ पॉइंट, वो क्या है, इट एक्सप्रेस द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल अबाउट क्रिएटिंग ए गुड सोसाइटी, है ना। ये एक्सप्रेस करता है, क्या एक्सप्रेस करता है, एस्पिरेशन क्यों एक्सप्रेस करता है, ताकि एक गुड सोसाइटी बन सके, है ना। तो ये क्लियर हो गया क्यों हमें जरूरत होती है किसकी, कॉन्स्टिट्यूशन की। अब ये फोर पॉइंट से मैंने आपको बताया क्यों जरूरत होती है, इन चीजों के लिए हमें क्या कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत होती है, राइट। अब जो मैंने दो कंट्रीज आपको बताई थी, अब थर्ड दूसरी कंट्री क्या आती है, हमारी इंडिया, यानी कि मेकिंग ए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम क्या करेंगे, एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। आइए तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देख क्या दे रखा है। सो देखिए कि ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या दे रखा है, चलिए अब देखते हैं। अब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, जब हमारा इंडिया आजाद नहीं था, तो उससे पहले कि जितने भी लोग थे हमारे इंडिया में, सो उन्होंने सोचा कि हम एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं। सो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाना स्टार्ट कर दिया। कौन कौन थे वो, एक थे मोतीलाल नेहरू और एट कांग्रेस लीडर्स। अब जो मोतीलाल नेहरू थे और एट कांग्रेस लीडर थे, उन्होंने क्या करा, एक ड्राफ्ट तैयार करा कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, एक ड्राफ्ट तैयार करा, है ना। और यहाँ करांची सेशन जो था, करांची सेशन, उसमें क्या आया, एक रिजोल्यूशन आया, क्या रिजोल्यूशन, और किसका रिजोल्यूशन था वो, इंडियन नेशनल पार्टी, है ना, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, सॉरी पार्टी नहीं, कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, है ना, उसका ही क्या था, रिजोल्यूशन था करांची सेशन का, करांची सेशन में जो आया, ठीक है। अब फिर क्या इन्होंने फिर सोचा कि ये जो थे ये सब क्या करने लगे, कि दूसरे दूसरे कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन देख के अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने लगे। जैसे कि उन्होंने देखा बिल ऑफ राइट, किसका बिल ऑफ राइट, यूएस का बिल ऑफ राइट से हेल्प ली, और सोशलिस्ट रेवोल्यूशन जो था किसका, रशिया का, उससे हेल्प ली इन्होंने। अब जो पार्लियामेंट जो थी किसकी, ब्रिटेन की, उससे हेल्प ली इन्होंने, ठीक है। तो क्या हुआ कि इससे हेल्प ली उन्होंने, राइट। अब जब इनसे हेल्प ली उन्होंने, सो हमारा इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा बनना था, ठीक है। अब सो फिर क्या होया, एक द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, फिर एक उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई, यानी कि सब आपस में मिले, उन्होंने डिस्कशन करा, है ना। फिर क्या हुआ कि एक बार ऐसा हुआ कि इंडिया और पाकिस्तान जो थे वो डिवाइड हो गए, क्या डिवाइड हो गए, और जब वो डिवाइड होने थे तो उनकी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली भी डिवाइड होगी, यानी कि इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उसमें सिर्फ 299 मेंबर ही बचे थे, है ना। अब फिर क्या हुआ इसके बाद, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार कर रहे हैं हम, ये 299 मेंबर जो थे इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन तैयार कर लिया 26 नवंबर 1949 में, और ये आया कब, 26 जनवरी 1950 में आया, इसलिए हम 26 जनवरी को रिपब्लिक डे बनाते हैं, यानी कि ये जब 26 जनवरी को आया, है ना, सो ये हमारे लिए रिपब्लिक हुआ, सो इसलिए क्या हुआ कि हम इस दिन क्या रिपब्लिक डे बनाते हैं। और जो मैंने कि आपको बताया था ना, मोतीलाल नेहरू ने एक ड्राफ्ट बनाया, सो एक लीडर और थे, कौन, बी आर अम्बेडकर, उन्होंने भी क्या एक ड्राफ्ट तैयार करा था, बी आर अम्बेडकर ने भी एक ड्राफ्ट तैयार करा था, है ना, किसके लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, राइट। अब ये समझ में आ गया, मेकिंग ए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, समझ में आ गया। सो हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कितने पहले से बन रहा था, है ना, और अब सब बन के तैयार हुआ, उसने हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए अलग अलग कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से हेल्प ली, है ना, राइट, क्लियर हुआ। अब इसके बाद आता है जूडिंग वैल्यू ऑफ
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि अब हम क्या करेंगे, शूटिंग करेंगे वैल्यू किसकी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, राइट। चलिए देखते हैं क्या है शूटिंग वैल्यू ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो इसमें आता है फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आता है। अब ये क्या है फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, क्या है ये फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सो इसमें पैरियम्बल आता है, पैरियम्बल, ठीक है। और पैरियम्बल जो है इसके कुछ पॉइंट होते हैं, है ना, पैरियम्बल के, ठीक है। वो क्या क्या है, सो फर्स्ट है वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये थोड़ा और इधर कर देते हैं इसे, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। फर्स्ट तो ये हो गया। सेकंड क्या है, सोवरिज्म, क्या सोवरिज्म, सोवरिज्म। थर्ड क्या है, सोशलिस्ट, सोशलिस्ट, ठीक है। फोर्थ क्या है, फोर्थ है सेकुलर, क्या सेकुलर। फिफ्थ क्या है, फिफ्थ क्या है, सेकुलर तो फोर्थ हो गया, अब फिफ्थ क्या है, फिफ्थ है जस्टिक, क्या वो, सॉरी जस्टिक नहीं, डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, ठीक है। और सिक्स्थ क्या है, रिपब्लिक। सेवंथ क्या है, सेवंथ क्या है, जस्टिक। एट्थ क्या है, लाइबर्टी, लाइबर्टी। नाइन क्या है, नाइन है इक्वालिटी, इक्वालिटी। और टेंथ है फॉर्टर्निटी, क्या फॉर्टर्निटी, राइट। क्लियर हुआ। अब ये क्या है, ये पैरियम्बल के पॉइंट्स है ना, ये पैरियम्बल में आते हैं और इनकी एक थॉट भी बनती है, वो मैं आपको बताऊंगा एक वीडियो में, राइट राइट। जो मैं थॉट बताऊंगा वो एक शॉर्ट वीडियो में बताऊंगा, राइट। वी द पीपल ऑफ इंडिया, अब फर्स्ट पॉइंट तो ये है वी द पीपल ऑफ इंडिया। अब ये क्या है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, अब जो ये कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करता है वो इंडिया के पीपल तैयार करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी थी उसमें इंडिया के पीपल ही तो आए थे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। और सोवरिज्म, सोवरिज्म जो होता है, ये सोवरिज्म भी पावर, पावर बनाता है, ये किसकी, कॉन्स्टिट्यूशन में जो पावर देता है ये करता है ना। और सोशलिस्ट, सोशलिस्ट तो आपको पता ही होगा, है ना, सोशलिस्ट। सेकुलर, सेकुलर भी पावर देता है और ये भी सोशलिस्ट भी। डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक यानी कि हमारी इंडिया एक डेमोक्रेसी कंट्री है, डेमोक्रेटिक कंट्री है हमारी इंडिया। रिपब्लिक, हमारी इंडिया में रिपब्लिक भी है, कब मनाया जाता है, 26 जनवरी, है ना। अब जस्टिक, जस्टिक भी है, लाइबर्टी, लाइबर्टी भी है, क्वालिटी, क्वालिटी, क्वालिटी क्यों है, क्योंकि अब जो बी आर अम्बेडकर मैंने बताया था ना, और जो गांधी जी हैं, बी आर अम्बेडकर और जो गांधी जी हैं, इन्होंने कहा था दोनों ने कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इनक्वालिटी नहीं आनी चाहिए, क्वालिटी आनी चाहिए। सो क्वालिटी आ गई, फॉल्टर्निटी फिर फॉल्टर्निटी आ गई, राइट। क्लियर हो गया। ये क्या है, ये पैरियम्बल्स हैं, क्या पैरियम्बल्स, ये क्लियर हुआ। सो अब आता है इंस्टीट्यूशनल डिजाइन, जो लास्ट पॉइंट, लास्ट टॉपिक जब आता है वो आता है इंस्टीट्यूशनल डिजाइन। क्या है अभी इंस्टीट्यूशनल डिजाइन, सो अब जैसे कि आपको पता है, वो पता है, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। देखिए वैल्यूज और, वैल्यूज और फिलोसफी जो होती है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का स्टेटमेंट नहीं होता है, वैल्यू ऑफ फिलोसफी, पर ये किसका होता है, इंस्टीट्यूशनल का, इंस्टीट्यूशन का होता है। तो अब जिस कंट्री का इंस्टीट्यूशन अच्छा होगा, सो उसका भी कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा बनेगा। अब जब इंस्टीट्यूशनल डिजाइन ही अच्छा नहीं है, तो कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से अच्छा डिजाइन, कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन कहाँ से अच्छा होगा, है ना। सो यही थे आज की हमारी वीडियो। सो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो से, बाय।